धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 22-12 में हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे 1 तारीख की शाम 5 बजे मस्जिद का गुंबद जो है वो जमींदोज हो गया था। यहाँ के लोगों से जब हमने बातें की तो उन लोगों ने यह बताया कि यहाँ के लोग पुनर्वास के लिए BCCL से लगभग 5 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित जगह पर बसाया जाए, बावजूद इसके BCCL अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका नतीजा यह है कि मस्जिद जो है जमींदोज हुआ और लगभग 5 लाख की संपत्ति की नुकसान बता रहे हैं ये लोग। गनीमत यह भी रही कि मस्जिद के अंदर जो लोग थे वो सही सलामत बाहर निकल गए। आस पास में लगभग 300 से 350 घर है, लगभग 1500 की आबादी है यह क्षेत्र में। यहाँ इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, आखिर BCCL क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरत रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमाल। कमाल जी, ये कौन सी जगह है? 22-12। क्या घटना घटी कल यहाँ? कल शाम के टाइम में 6:30 बजे के करीब ये घटना घटी है। क्या हुआ था? ये मस्जिद के सामने देखिए गोप हो गया। कितने की नुकसान हुई होगी इसमें? इसमें कम से कम 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें हम लोग का पूरा डेकोरेशन का सामान था, जनाजा का खटिया था, एक DJ जनरेटर था, वो सारा जमीन के अंदर चला गया। कुछ किसी को कुछ नुकसान? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ किसी को नहीं। कितने लोग थे उस वक्त? उस वक्त करीबन 10 लोग थे इस जगह पे बैठे हुए। शाम के टाइम में हमेशा बैठते हैं यहाँ पे लोग। बड़ी घटना घट सकती थी? बड़ी घटना तो घट सकती थी। क्या वजह है आप लोग बुद्धासन में क्यों रह रहे हैं? प्रबंधन की लापरवाही है, BCCL की लापरवाही। हम लोग तो 5 साल से मांग रहे हैं, हम लोग लड़ाई 5 साल से लड़ रहे हैं कि हम लोग को पुनर्वास किया जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला आज तक, सिर्फ आश्वासन ही मिला। तो ऐसे में कैसे यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हजारों लोग की संख्या में बता रहे हैं कि लोग रह रहे हैं, तो कैसे भय से जी रहे हैं हम लोग? अब क्या करेंगे? क्योंकि घटना तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग तो रैयत प्लॉट है, कहाँ जा सकते हैं हम लोग? लेकिन अब तो ये बड़ी घटना घट गई है, तो इससे क्या लग रहा है? क्योंकि अब माहौल थोड़ा ये देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ एक हिलटॉप कंपनी चल रही है, जिसको हम लोग ये घटना होने के बाद हिलटॉप कंपनी को बंद कर दिए और ये भरने के लिए आए, हम लोग रुकवा दिए। हम लोग बोले नहीं भरने देंगे, जब तक हम लोग को पुनर्वास नहीं तब तक कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है आपकी मांगे सुनेगी BCCL इस बार? सुनना चाहिए, हम लोग को जायज मांग है। हम लोग तो सिर्फ बोल रहे पुनर्वास कर दिया जाए। फिलहाल तो खुदा का शुक्रिया है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ घटना बड़ी घटना नहीं घटी। स्थानीय लोग हैं, खुदा का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि ये बड़ी घटना नहीं घटी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम सर है। गुलाम जी, कब घटी थी घटना ये? ये करीब नमाज हम लोग का वक्त होते हैं मगरिब का, एक तो जो कि 6 के बाद ही होते हैं, नमाज के बाद ही जब सब निकल चुके थे उसके बाद हुआ ये ऊपर वाला। 7 बजे हुआ टाइम, उस टाइम नहीं हुआ, नमाज के बाद। अगर नमाज के वक्त होता तो सारा कम से कम 70 से 80 आदमी नमाज के वक्त में रहते हैं। कौन होता इसका जिम्मेवार? सब प्रशासन होता है या फिर BCCL के? क्यों लापरवाही बरतती है BCCL? क्यों नहीं लोगों को पुनर्वास सही वक्त पे करती है? पता नहीं, हम लोग तो 5-6 साल से लड़ रहे हैं केस, तो आज तक तो किसी तरह का आए दिन घटना होती है। यहाँ कितने क्वार्टर होंगे लगभग? क्वार्टर तो नहीं, रैयत कम से कम क्वार्टर तो है। रैयत कितने होंगे? रैयत करीब करीब 40 से 50 है। और बाकी कितने लोग, मतलब टोटल कितने लोग होंगे? टोटल यहाँ संख्या करीब करीब 1000 के संख्या में है, जिसमें कि कुछ क्वार्टर का है, बाकी नहीं है। इस घटना को देख के ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब घटना और भी बढ़ सकती है आगे? भय की जिंदगी, भय की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? महबूब आलम। ये कौन सी जगह है? 22-12 बस्ती है सर। कितने लोग रहते होंगे यहाँ? यहाँ का आबादी तो कम से कम 400 घर का आबादी लगभग होगा। पूरी आबादी कितने की होगी? 400 लगभग है घर है, तो आबादी लगभग 1000 की होगी। हाँ। कैसे घटी घटना और कब घटी? कल शाम की बात है सर, 6:30 बजे लगभग जो है ना हुआ है सर। मीनार था पूरा जो है ना, मस्जिद का मीनार है ना, गिर गया पूरा, नुकसान बहुत हुआ। 5 लाख रुपया के लगभग का नुकसान है। उस वक्त मस्जिद में थे कोई लोग? नहीं सर, उस वक्त मस्जिद में नहीं। अजान के वक्त अगर ऐसी घटना घटती तो क्या लगता, क्या होता? बहुत मन आदमी में दिक्कत में पड़ सकता था,
उस वक्त सब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उस वक्त होता तो कोई भी आदमी आ सकता था चपेटा में। इसमें कौन होता इसका जिम्मेवार? कौन होता? दूसरी सेल होता सर। आप लोग इस जगह को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? छोड़ेंगे, हम लोग को कहीं कुछ ना जगह देगा तब ना। अब रैयत वाला आदमी है ना, कहाँ जाएगा? आपने इसकी मांग की थी कि हमें जल्द शिफ्ट किया जाए यहाँ से। हाँ, क्या हुआ? 5 साल से ही जो है ना सिलसिला चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। अब इस घटना के बाद आप लोगों ने क्या किया है अभी फिलहाल? अब तो अभी है ना आया था, जो हुआ मीटिंग वीटिंग। बोला हिल टॉप आउटसोर्सिंग जो बंद कर दी गई है, वो तो होना ही था, बंद कर दी गई है। 30 मिनट या 32 मिनट ये हादसा हो गया। अचानक ज़मीन मैंने भरभरा कर धस गई और जो अजान गा था हम लोगों का, वो अजान गा भी चला गया, जनरेटर चला गया और जो मस्जिद बर्तन कमेटी के सामान थे हमारे, सब सामान चला गया। और इससे पहले हम लोग 4 साल पहले भी कर चुके हैं कि हम लोगों को यहाँ से विस्थापन कर दिया जाए। अगर बिस्तर की ज़मीन है तो हम लोग रैयत लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर आपको ज़मीन की ज़रूरत है। ये आग डेको वाला लोग पहले यहाँ 4-5 साल पहले डेको के लोग, कुछ लोग यहाँ गए दलाल लोग, जो उसके कारण से आग यहाँ पर फेंकवा कर OBR को इस आग लगाने का काम किया। और आग लगने के बाद यहाँ भूदसान हो गया। अब भूदसान होने के बाद यहाँ पर बोलता है अब ये भूदसान क्षेत्र है, आप लोग यहाँ चले जाएं। तो भाई कहाँ चले जाएं? हम लोगों को जगह दीजिए, कोई ज़मीन का कुछ मुआवजा दीजिए, बात कीजिए, ले जाइए हमको। 145 दिन तक धरना दिए हम लोग आज से 4 साल पहले इसी Area 5 के सामने, लेकिन मगर कुछ नतीजा नहीं निकला, वही सस्ते बस्ते में चला गया। और कंपनी हुरमुट रवैया अपना रही है BCCL। अजान के वक्त ये घटना घटती तो क्या होता, क्या लगता है फिर? जाते शहीद होते, 30-40 लोग शहीद होते, उसके बाद यहाँ कोहराम मचता। झारखंड में ये एक अजीब आंदोलन होती, लोग अगर कोई अगर मरता, मुअज्जिन भी अगर हमारा मरता ना, तो ये पूरे झारखंड में आक्रोश की फैलता और ये एक तरह का जंग, खूनी जंग होता। अब हम लोग ये सोच लिए हैं कि हम लोग को ना इसको भरना है ना मस्जिद को, अब हम लोग बचाने जा रहे हैं। अल्लाह खुदा खाना अपने शहीद हो रहा है, गिर रहा है, अब हम लोगों को मुआवजा देगी सरकार, मुआवजा दे देगी, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आपको जो करना है करिए, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत। आखिर क्यों BCCL इतनी बड़ी लापरवाही बरत रही है? क्यों हजारों की आबादी कभी भी इसकी चपेट में आ सकती है, जैसा स्थिति अभी कल देखने को मिला यहाँ? ये तो BCCL ही मैंने बता सकती है, अधिकारियों को क्या मनसा है, अधिकारी क्या सोच रहे हैं। ये साफ सुथरा BCCL ये सोच रही है कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और इस तरह की घटना आए दिन यहाँ 4-5 मरतबा हो चुकी है सर, ऐसी नहीं कि आज ये पहली बार हुआ। ये बड़ी हादसा, इतना बड़ा मस्जिद के, इतनी सुंदर मस्जिद को आज अगर धसाने का काम हुआ, ये BCCL की पूरी तरह से लापरवाही है, BCCL का प्रबंधन का पूरा लापरवाही। 4 साल पहले हम लोगों ने ये अर्जी दिया कि सर हम लोग को हटा दीजिए, हम लोग यहाँ मर रहे हैं, ये आग में मरने के लिए कोई थोड़ी सोच रहा है, परिवार आज मरने के कगार पर हम लोगों का, लेकिन मगर हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये BCCL की सारासरी लापरवाही है सर, और लापरवाही कारण से ये आज मेरा मस्जिद शहीद हो गया। एक मस्जिद भी नीचे थी, वो भी शहीद हो गया। लेकिन हम लोग शरीफ लोग हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन मगर कुछ आंदोलन नहीं कर रहे। लेकिन अब जब ये मस्जिद भी शहीद हो गया, जब हम लोग का खुदा खाना ही नहीं बचेगा, घर ही नहीं बचेगा, परिवार ही मर जाएगा, तो हम लोग चरमबंद आंदोलन करेंगे और इसके लिए जो करना होगा करेंगे। और आने वाला दिन में यहाँ से जब तक हम लोग को मुआवजा देकर हटाया नहीं जाएगा, तब तक ना ये मस्जिद की भरपाई होगा, ना भराई करेंगे, और ना आने वाला कोई भी अधिकारी आएंगे उसको हम लोग कोई बात सुनेंगे। हम लोगों ने आज GM साहब से बोले हैं, GM साहब आश्वासन दिए हम लोगों को कि हम ऊपर बात रख सकते हैं, इसलिए कि GM भी एक अदना अधिकारी है, उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं। वो बोले कि मैं अपना खबर DT को पहुंचाऊंगा, वहां से उच्च अधिकारी इसका फैसला लेगा। हम लोगों ने सीधा सा दिखाई दिया कि सर आप मुझे मत दीजिए, ये जो आप बोल रहे पंडाल मैं बना देता हूं, आप उसमें नमाज पढ़ो, कल किसी का घर गिर जाएगा, किसी का बच्चा मर जाएगा, तो आप बोले उसको मट्टी देने के लिए वो खबर बना देते हूं मैं यहां पर, ये नहीं चाहिए सर हमको, हमको चाहिए ही नहीं ये चीज़, बस हमको मुआवजा दीजिए, हमको यहाँ सटा दीजिए। स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि यहाँ जो लोग हैं, हजारों की आबादी में जो लोग रह रहे हैं, वो कंप्लीट भय के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ के लोग यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें पुनर्वास किया जाए। फिलहाल इस घटना के बाद यहाँ के स्थानीय लोग पास में चल रहे हिल टॉप आउटसोर्सिंग को इन्होंने बंद कर दिया है, इसकी भराई भी पूरी तरह से इन लोगों ने रोक दी है। इन लोगों का मांग है जब तक हमें BCCL के द्वारा पुनर्वास नहीं किया जाएगा, तब तक इसकी भराई नहीं करने देंगे और ना ही हिल टॉप कंपनी को चालू होने देंगे। धनबाद से लगातार न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।